से रिलेटेड हर खबर जानने के लिए खबर पर नजर को फॉलो करिए। इंदौर और मध्य प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए और लॉकडाउन की हर खबर जानने के लिए कोरोना बुलेटिन की सब बने रहिए। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करिए। धन्यवाद। आप देख सकते हैं अभी रात की 12:30 बजी है। मैं हूँ रिगल चौराहे पर और चारों तरफ सन्नाटा है और देख सकते हैं जनता कर्फ्यू। रात का समय भी यहाँ पर हल्की फुल्की आवाजाही हो रही है थोड़ी सी। देख सकते हैं ऑटो रिक्शा वगैरह कुछ वाहन जो ज़रूरी है शायद रात्रि के 12:30 बजे भी शायद चल रहे हैं। देख सकते हैं जहाँ खबर खबर पर न्यूज की टीम आपको लगातार कोरोना वायरस की सक्रियता संक्रमण के बीच अपडेट दे रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं, आधी रात को इस वक्त 12:30 बज रहे हैं और रीगल पर मौजूद हैं। रीगल चौराहा ये उन चौराहों में से एक है जो देर रात तक बहुत आबाद रहता है, लेकिन कोरोना वायरस की सक्रियता संक्रमण ने इसे भी सुनसान और बियाबान बना दिया है। यहाँ बमुश्किल आधी रात को सिर्फ यही गाड़ियाँ गुजर रही हैं जो कहीं ना कहीं जिनके परिजन अस्पताल में हैं और या फिर वे किसी न किसी संसाधन के लिए भागम भाग कर रहे हैं। वरना इतनी रात को इस वक्त 12:30 बजे कौन जाता है। गांधी जी हमेशा की तरह तीन कभी मूर्त खड़े हुए और शायद जिस प्रकार आज राजनीति पूरी तरह से फेल हो गई है, बड़ी बड़ी बातों करने वाले संसाधन जुटाने के मामले में उसमें कहीं ना कहीं गांधी जी को शर्मसार तो कर दिया। इतनी अजीब बात है कि हमारी राजनीतिक जिजीविषा की शून्यता यदि हमें देखना है तो इस वक्त इंदौर में देखिए, जितने नेता जितने पार्षद जितने विधायक सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और करते हैं, वे आज दुबके हुए हैं। कोरोना वायरस की सक्रियता और संक्रमण ने उन्हें डरा दिया है। दूसरे लोग एक तरफ समाज सेवी हैं, वे लगातार सेवा कर रहे हैं और ऐसे मरीजों के लिए संसाधन भी जुटा रहे हैं, लेकिन उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आज देखिए बयानवीर नेता विधायक मंत्री परिदृश्य में सिर्फ कभी हल्के फुल्के नजर रहते हैं। भोजन भंडारों से लगातार हमेशा छोटी छोटी बातों पर पोस्ट डालने वाले इस वक्त चुपचाप बैठे हैं। हमें याद है जिस तरीके से कि पिछली बार ऐसे ही नेताओं ने मास्क बांटकर खूब वाहवाही लूटी थी और अब ना ऑक्सीजन पूरी तरह से मिल पा रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की स्थिति किसी स्थिति में है और तमाम वह चीज़ें जो कि कोरोना वायरस को रोक सकती है और उनके मरीजों को नया जीवन दे सकती है, उसके लिए तो फिलहाल सबको तरसना पड़ रहा है भागम भाग करके जैसे तैसे स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है। सफलता और असफलता समय की बात है। कुछ लोगों को संसाधन मिल पा रहा है, लेकिन कुल मिला के अभी जो संसाधन है वो तो ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। खबर पर नज़र और परिवर्तन पैनल के लिए मैं संजय नजान, शैलेंद्र श्रीमाल, मोनरल सा व्यास और प्रतीक वर्मा की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद। जहाँ खबर खबर पर टीम आपको आज रात्रिकालीन राउंडअप पर निकली हुई है और रात्रिकालीन राउंडअप में हम आपको इंदौर के भी प्रमुख चौराहे कुरुक्षेत्र जो कि हमेशा आबाद रहते रहे खासतौर पर गर्मियों के मौसम में
वहाँ क्या स्थिति इससे अवगत करा रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं राजवाड़ा पर, इसके पहले हमने आपको बिगल चौराहे पर गए थे। राजवाड़ा पर आज स्थिति ये है कि बहुत कम बल्कि नगण्य पुलिसकर्मी ही नज़र आ रहे हैं। लोग बिल्कुल नहीं आ जा रहे हैं। एक समय ऐसा था गर्मी के मौसम में अगर आप देखेंगे तो जो है राजवाड़ा का तो राजवाड़े के बगीचे में काफ़ी लोग देर रात तक बैठ रहा करते थे और यहाँ काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, फव्वारे चला करते थे और ठंडी हवा का आनंद लिया करते थे। राजवाड़े के रथ जगह का एक अलग माहौल रहा, लेकिन फिलहाल के यहाँ भी शमशान जगह सन्नाटा शून्य का छाई। खबर का नजर देने की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद। जहाँ खबर खबर पर नजर की टीम आपको लगातार अलग अलग क्षेत्रों का अपडेट देती आ रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के सबसे व्यस्तम चौराहों में से एक यशवंत रोड गुरुद्वारा। देखा जाए तो ये भी काफ़ी व्यस्त चौराहों में से एक है, लेकिन इन दिनों खबर पर नजर की टीम आपको लगातार अलग अलग क्षेत्रों का अपडेट दे रही है। इस वक्त हम रात्रिकालीन राउंड पर हैं और हम रीगल चौराहा राजवाड़ा चौराहा के बाद इंदौर के सबसे व्यस्तम चौराहे यशवंत रोड गुरुद्वारे के मौजूद हैं। यहाँ अगर देखा जाए आपने देखा पूरा सून सपाटा पड़ा हुआ है और कुछ एक गाड़ियाँ जरूर एम्बुलेंस वगैरह है जो आ जा रहा है और मरीजों को छोड़ने का काम करें। रात्रि में सिर्फ यही है जो भी नज़र आ रहे हैं, बाकी सब लोग दुबके हुए हैं कोरोना वायरस के कहर का है या कुछ का है। जहाँ तक कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी कोरोना से भी डरते हैं लेकिन भूख से डरते हैं और रोटी के लिए ही ये लोगों ने अगर आप देखें उत्पाद वगैरह पर लेते हैं और मैं इधर से भी बताऊँगा उधर साधु बाबा भी वहाँ पेपर पढ़ रहे हैं रात्रि चिंतन मान का दौर भी जारी है। साधु बाबा हैं वहाँ पेपर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की और कुछ समाज सेवी भी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और इनको खाना उपलब्ध करवाते हैं। रात्रिकालीन देखा जाए तो सब कुछ थमा हुआ सा है और कोरोना वायरस का कहर नज़र आ रहा है। ऐसे में खबर पर नज़र चैनल की टीम लगातार आपको दिन का ही नहीं देर रात का अपडेट भी दे रही है। खबर पर नज़र के लिए मैं संजय जान, शैलेंद्र श्रीमाल, मोनालिसा व्यास और प्रतीक वर्मा की शमीनी रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद। गर्मी की छुट्टी का कुछ बच्चे ज़रूर बेहतर उपयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यशवंत रोड गुरुद्वारे के ठीक गली में कुछ बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। चूँकि सबको जनरल प्रमोशन मिल चुका है, पढ़ाई की कोई चिंता नहीं है, स्कूल अभी खुलना नहीं है और अगर दिन में गलती से भीषण गर्मी में अगर मम्मी पापा ने सुला भी दिया डांट डपट के तो अब रात्रि में नींद तो आने से ही तो उसका समय का बेहतर सदुपयोग ये बच्चे कर रहे हैं और क्रिकेट में गली में ही चौके छक्के रात्रिकालीन क्रिकेट का मजा चल रहा है। वैसे तो इन दिनों एटीएम लगातार धन उगल रहा है, दरअसल बैंकें बंद होने या ट्रांजैक्शन नहीं होने के चलते और भी तमाम लोगों के पास तो ऐसे में एटीएम से खूब नोट निकाले जा रहे हैं और तीन तीन बार एटीएम भरे जा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो रात में एटीएम लूटने और काटने की बहुत घटनाएं होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि चोर अपराधी भी इस वक्त कोरोना से डरे हुए हैं। यही कारण है कि एटीएम के रक्षक इस वक्त गहरी नींद सो रहे हैं।
गार्ड को अगर आप देखेंगे तो गार्ड जो है कभी आराम फरमा रहा है। ये स्थिति क्या आपको या आपके परिवार में किसी को कम सुनाई देता है तो आज ही लगाएं नई टेक्नोलॉजी वाली कान की मशीन मात्र 1600 रुपए में। जी हाँ, आपने सही सुना, कान की मशीन 1600 रुपए में। अभी ऑर्डर करें कान की मशीन। क्या आपको आपके परिवार में किसी को बवासीर, भगंदर, मसी की समस्या है? जलन व दर्द से मुक्ति पाने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें और अभी कॉल करें। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।